आवारा जी को कांग्रेस को राज है। ठीक है माई, आज दो दिन पहले कांग्रेस को घोषणा पत्र आई, मैं निवेदन करूं आप लोगों ने, कांग्रेस घोषणा करी है 11 सूरज नहीं उगे लो कांग्रेस को राज दुनिया बाद में 10 दिन के माए माए, 10 दिन के माए माए, जितना भी किसानों के ऋण है और ऋण माफ कर दिया 10 दिन। एक और बड़ी घोषणा करी है बच्चा बेटी अपने समय कि जितनी भी हमारे यहाँ की बेटियां बच्चियां बहने हैं ये पढ़ना चाहे तो पहली से लेके बीए एमए पीएचडी तक कांग्रेस का राज बनेगा, तो इनकी पढ़ाई निःशुल्क होगी बिना फीस के। तीसरी एक बड़ी और घोषणा की है जो इधर की तरफ खड़े हैं ये, इनको बड़ी उम्मीद होती है राज, या तो बूढ़े आदमी को बहुत उम्मीद होती है या जो युवा होता है उनको बड़ी उम्मीद होती है। बूढ़ा आदमी ये उम्मीद करता है कि मेरे वो 500 रूपये 750 रूपये आएंगे पेंशन, 5 साल में उनमें कमी आ गई। कमी क्या आ गई? बैंक में जाके लेना पड़ रहा है, बैंक में मांगा भाई फेरवा किसका भाई अंगूठा को मिले आंखा की खुशियां को। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कांग्रेस का राज बना तो 5 लोगों को डाकियों अवेल और बल पेंशन देवे लोग घंटे पर बैठ रहा अपना हस्ताक्षर कर। अब युवा के लिए जो युवाओं के लिए जो घोषणा की है मैं आपने बताऊं, कांग्रेस को राज आवे लो तो मैं भरसक प्रयास करेगा आने रोजगार, लेकिन भी के बाद भी रोजगार नहीं मिले तो आने कामकाज की खातर ऋण उपलब्ध कराए, लोन दियो जावे सस्ती दर पर ताकि आपको काम कर सके, वो भी अनुपलब्ध नहीं हुए तो जगह बाकी बचेड़ा युवा है ध्यान समझो बातों पर ध्यान रहा जो हमारे बटेड़ मंत्री जो 5 साल जगह जरूरत हम दी हुआ है पढ़िया लिखो और जरूरत। मैं ये नहीं बोलता मेरा भतीजा बेरोजगार है तो उसको 35 रूपये मिलनी चाहिए, वो जरूरत हम नहीं, जरूरत हम दी हुआ पिछड़े वर्ग है गरीब है कम जमीन है, उन जरूरतमंद युवाओं को अगर कांग्रेस की सरकार बनती है रोजगार नहीं मिलता है बेरोजगार रहते हैं तो 3500 रूपये तक का मासिक भत्ता दिया जाएगा 3500 रूपये तक।